नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या? क्या आपको चाहिए समाधान? तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हीरा योगी फिर आ गया है आपके लिए। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा विशेष उन लोगों के लिए है जिनको हाई बीपी होता है और वो हमेशा ज़्यादा ही ज़्यादा दिखता है। तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई, जब आपको हाई बीपी होता है तो तीन से पांच चीज़ों के नियम का पालन करना है। पहला नियम, अपनी बॉडी को क्रॉस करके नहीं रखना, तान के नहीं रखना जब आप बीपी नापते हैं। बीपी नापते हुए सावधानियां जो आपको बता रहा हूँ, और आप सावधानी नहीं करते हो तो आपका हाई बीपी ज़्यादा दिखता है मशीन में। दूसरा, फुल स्लीव्स के और टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, और जब बीपी टेस्ट हो उससे पहले आपको बाथरूम कर आना पड़ेगा। ये ऐसा किस लिए कि जो बॉडी में वेट है, जो यूरिन का वेट है, पानी का वेट है, वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम पड़ेगा। तीसरा और चौथा काम क्या करना है, अपने हाथों की मूवमेंट को नहीं करना। जैसे हम हिलाते हैं ना या बांधने पे। पांचवा ये है कि जो आपको इंस्ट्रूमेंट बढ़ रहा है, अगर ठीक से नहीं बनता तो आप डॉक्टर को बोल सकते हो या खुद भी चेक कर सकते हो। एडजस्टमेंट अच्छे से होना चाहिए। और कुछ लोग लेट के चेक कराते हैं तो लेग फोल्ड करके बिल्कुल भी नहीं करना। तो बीपी नापते समय ये कुछ नियमों का पालन आपको करना है। बीएम जितना, अगर हाई ब्लड प्रेशर, लो हाई जो आप टेस्टिंग करते ना, तो उसमें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है नहीं आएंगी। अब आप समझ गए, बस इतनी सी वीडियो है, बड़े काम की है, इसका उपयोग आपने करना है। धन्यवाद एंड लव यू। हीरा योगी चाहता है आप रहे खुश, स्वस्थ और आनंदित। ईश्वर को आपकी बहुत जरूरत है, और ईश्वर को आपकी जरूरत है तो आपको भी ईश्वर की जरूरत है ना। बस इस चीज को समझ जाइए, और आनंद स्वयं में है, आनंद आज में है। फील लव, आहा, लव कैसे मिलेगा? लव दोगे तो भी तो आएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।